तो फाइनली दोस्तों यहां पे देख सकते हो मेरा फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर नॉर्मल दोनों सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे फ्री फायर के अंदर OB30 वाला अपडेट आया था, जिसके अंदर बहुत सारे का अपडेट हुआ है, बहुत सारे का नहीं हुआ है, जिसके अंदर गाइज मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया था एंड उसके अंदर बताया था कि आप अपने फ्री फायर मैक्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसको कैसे अपडेट कर सकते हो। बट यहाँ पे बहुत सारे बंदे का अभी भी कन्फ्यूजन है और एक ही कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं फ्री फायर नॉर्मल को कैसे डाउनलोड करूंगा और फ्री फायर नॉर्मल को कैसे अपडेट करूंगा, क्योंकि सभी सेटिंग वगैरह मेरा उसके अंदर ही है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल्ली स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप फ्री फायर नॉर्मल को अपडेट कैसे कर सकते हो और फ्री फायर नॉर्मल को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हो, शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जैसे कि देख सकते तो मेरा यहाँ पे फ्री फायर नॉर्मल अपडेट हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मेरा फ्री फायर नॉर्मल ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है पुराना वर्जन, ठीक है। तो आपको इसको अनइंस्टॉल नहीं करना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाएंगे एंड गाइस यहाँ पे आप फ्री फायर लिखोगे तो ना ही आपका यहाँ पे अपडेट होगा और ना ही शो होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप VPN को डाउनलोड करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, VPN से नहीं हो जाएगा, पूरा प्रोसेस सुनना है आपको। VPN कोई भी सा VPN डाउनलोड करेंगे, हो सकता है तो आपको गाइस सिंगापुर का VPN ले लेना है। और VPN लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि VPN को ओपन करके VPN से सिंगापुर वाला सर्वर को कनेक्ट कर लेना। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे ही आपका सिंगापुर सर्वर वाले से कनेक्ट हो जाता है उसके बाद वापस प्ले स्टोर में आएंगे और प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपको एक नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये वाला अकाउंट आपको तब बनाना है जब आपका VPN कनेक्ट हो, VPN डिसकनेक्ट करके नहीं करना है। VPN कनेक्ट करके नया अकाउंट बनाएंगे और नए अकाउंट से लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहां पे आएंगे और देख लीजिए, जैसे ही दोस्तों मैंने यहां पे फ्री फायर लिखा तो मेरा पे यहां पे अपडेट आ चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इसको अपडेट कर सकते हो। बट ध्यान से सुनिए दोस्तों, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये भी बता देता हूं। यहां पे दोस्तों आप अपडेट करने का ट्राई करेंगे तो बहुत सारे का हो जा रहा है, बहुत सारे का नहीं होगा। तो गाइज आपको इस केस में क्या करना है कि आपको दूसरा VPN चेंज करना है, ठीक है, सिंगापुर वाला लेना है या फिर दूसरे सर्वर में ट्राई करना है। उसके बाद भी अगर आपका अपडेट नहीं हो रहा तो गाइज फिर तो सॉरी दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो फ्री फायर नॉर्मल है उसको पूरा की पूरा अनइंस्टॉल कर देना। जैसे दोस्तों आप इसको पूरा की पूरा अनइंस्टॉल करके वापस यहां से आओगे फ्री फायर डाउनलोड करने, तो आपका पूरा पहले के पहले हो जाएगा। और दोस्तों वहीं पर भी वापस आने पर भी अगर नहीं होता है, तब भी मैंने आपको वहीं बताया, आपको VPN का सर्वर चेंज करते रहना पड़ेगा। और जैसे दोस्तों सर्वर चेंज करोगे, VPN को कनेक्ट रखना है, तो आपका 5 मिनट के अंदर आपका फ्री फायर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से डाउनलोड करने के बाद आप अपने VPN वगैरह को अनइंस्टॉल कर दो, बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से गाइज आप अपने नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर गाइज इसको डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर आपको नॉर्मल फ्री फायर चाहिए, तो इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड मेरे पास जो नॉर्मल फ्री फायर मैंने डाउनलोड किया है उसको अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको मैन्युअली बता दूंगा कि आपको एंड्रॉइड में कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आई होप कि दोस्तों आशा रखता हूं कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली ऐसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।